जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम, जय बजरंग बली। तो जी पहुँचे हुए हैं, आज तो 1 बजे चले थे क्योंकि बॉर्डरों पे समस्या हो रही है, तो एक कारण था। नींद आ रही थी बिल्कुल, आते ही सो गया था। यहाँ पे 4 बजे पहुँच गया था मैं, और लेबर वाले पीछे आ रहे हैं। चाय पी के आएंगे फिर लगाएंगे, बालाजी महाराज के दर्शन हो गए सुबह सुबह। देखते हैं जो लगाते हैं, चाय पी के आते हैं, पहले शुरू करते हैं जी। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, शुरू करते हैं। हाँ जी, कहाँ से अंकल जी? इसके पीछे, इसके पीछे आगे फिर जगह, वो जो तुम्हारी गाड़ी जाएगी वो मैंने भी नहीं देखी है। अच्छा, जगह तो देखिए, अब रात में ट्रोली ट्राली का कोई गाड़ियां होगी उसकी। इस गली में तो वहां तक तो खुला होगा चौक, बिल्कुल टी पॉइंट है, बिल्कुल खुला। मैं टी पॉइंट पर जाऊंगा, मैंने बाइक पर दिखाई। चलो ठीक है ना, टी पॉइंट पर आ गया मैं। चलो ये गली है जी, थोड़ी भीड़ी जरूर है जी, लेकिन भीड़ी है, थोड़ी ज्यादा ही भीड़ी है। लेकिन परली तरफ गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, एक और दूसरी गली है। यहाँ से देखते हैं जी, निकाल के यहाँ पैड लगी हुई है, वो थोड़ी बहुत एक आधी बल्ली खोल के फिर घुसा देंगे। मदन थोड़ा पीछे कर दोस्त, थोड़ा सा नाले का दाब कर रख दो। चल कोई बात नहीं, पीछे कौन का तुम भी पीछे करवाना। हां थोड़ा कर दो सर। ओके गाड़ी ट्रॉली तो कर दूंगा मैं, बस 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 मदन इतनी नीचे पीछे ना ले। उधर छोड़नी है जगह, भाई 60 की भी आवाज़, 60 की ला ले, कोई दिक्कत नहीं। 60 की ला ले, मैं कर दूंगा पीछे। गाड़ी भी तो खड़ी है पीछे, एक फुट कर दो आप, एक बार लाग जंदे, लाग जंदे एक बार, या मैं कर दूंगा। जय श्री राम, जय बजरंग बली। तो जी लगे हुए हैं उतारने के लिए, सारी उतारेंगे। पहले अंकल जी 4,000 कह रहे थे उतरेंगे, तो उसके बाद में फिर कह रहे हैं भाई सारी उतार दें। इंटर देखे उन्होंने, और गिनती का विशेष ध्यान रखने के लिए बोल के गए भाई, गिनती में एक ईंट का भी फर्क नहीं होना चाहिए। 6 मकान अंकल जी ने बनवा लिए, कह रहे हैं मेरे साथ में चोरी करने वाले बहुत सारे आए हैं। मैंने खड़ा हो गया, गाड़ी उतरवाने की नौबत आई है, लेकिन आज मैं खड़ा नहीं हो रहा। मैं विश्वास करके जा रहा हूँ, झोल मत करना चोरी का कुछ भी। मैंने कहा अभी गलती से एक ईंट एक अधिदारी में अगर 60 की लगाई है, 59 की एक अधिदारी में निकल जाए तो अंकल जी गलती से हो सकता है, वैसे जानबूझ के नहीं लगाएंगे। कह रहे वो कोई दिक्कत नहीं, 100 में से 2-4 भारी अगर कम ज़्यादा होती है एक आधी तो कोई दिक्कत नहीं, वो गलती से लगती है। गलती से भी लग भी जाती है, 61 की भी लग जाती है, 59 की भी लग जाती है, 58 की नहीं लग सकती। अगर 58 की लगी तो गिनती बेकार हो जाएगी, 59 की एक आधी गलती से लग जाती है। कोई मोटी ईंट ज़्यादा हो जाए जिसमें ज़्यादा गार होती है वो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर 60 की आएगी। एक आधी ज़्यादा पतली हो जाए, कम गारा हो या फिर ज़्यादा गारा हो, उसमें एक आधी में फ़र्क पड़ जाता है धारी का, उसके हिसाब से फिर वो पूरी आती है। और होती वो 59 की अगर मोटी है तो, और पतली में 61 हो जाएंगी अगर ज़्यादा पतली है तो। लेकिन अगर ध्यान से लगाया जाए तो ईंट कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होती है, मेरे से तो भाई आज तक हुआ नहीं, लेकिन हो जाती है कभी ना कभी। गलती ज़रूर होती है इंसान से, गलतियाँ, गलतियों का पुतला है इंसान, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, भगवान जैसे भी हो जाती हैं कभी कभी। तो धारणा के लिए लगे हुए हैं, और भाई चोरी का तो ये सिस्टम है, चोरी बहुत है इस धंधे में, चोरी का तो ये नहीं पता भाई कितनी चोरी हो जाए। घंटे 6 की जगह 5 उतर सकती हैं, 5 की जगह 4.5 उतर सकती हैं, ये बहुत सारे लफड़े हैं गिनतियों के। गिनती में चोरी इस धंधे में सबसे ज़्यादा चोरी इसी धंधे में है, क्योंकि छोटी आइटम होगी और हाथ से लगानी पड़ती है, इसीलिए इसमें चोरी बहुत है। अनजान आदमी को कई बार लूट लिया जाता है, लेकिन भाई सतर्क हो जाएं, अपना काम खुद, अपना जो मकान है उसकी निगरानी आपके खुद के अंडर में होनी चाहिए, खड़े होकर अपना सारा काम करवाओ। ईंट 8.5-9 रुपए की ईंट है, कम से कम अगर 100 ईंट चली गई तो 900-1,000 रुपए का आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है जी। और आज तो चक्कर ले आए हैं जैसे तैसे करके निकाल नकूल के, तो आज 13 तारीख है, जब आप देख रहे होंगे इस वीडियो को 14 तारीख होगी, तो आज का
जो लफड़ा है वो आज का मेन बताया गया है, लेकिन बॉर्डर कितने दिन बंद रहेंगे इस बात का पक्का पता नहीं है। काम भी बंद हो सकता है, घर पे भी जाना पड़ सकता है अगर इधर उधर से निकलता रहा, क्योंकि दो नंबर का तो है ही है सिस्टम सारा। दिल्ली में ट्रैक्टर अलाउड ही नहीं है, आपको पहले भी मैंने बता ही रखा है वीडियो में, दो नंबर का सिस्टम है। ऊपर नीचे से अगर गलियों से निकल के आता है घुसता है दिल्ली में फिर तो ठीक है, नहीं तो काम बंद हो सकता है और कितने दिन हो सकता है इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है। पता नहीं भाई आंदोलन किस कितने दिन चल जाए और बॉर्डर कितने दिन बंद रह जाए। कई बॉर्डर तो बिल्कुल जेसीबी के साथ में फाड़ दिए हैं बिल्कुल, ये बात है। देखते हैं जी आज लोड करेंगे नहीं करेंगे, आपको दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऑल नई वीडियो रोज़ सुबह आपके पास सबसे पहले आती रहे। तो और कमेंट में जय श्री राम लिख के ज़रूर जाना और बने रहना वीडियो में एंड तक। और ज़रूरतमंद जो मकान बना रहे हैं या फिर बनाने की तैयारी कर रहे हैं या शुरू करने से पहले, आप हमारी जो आपकी अपनी हमारा चैनल जो है उस पर वीडियो आप देख सकते हो, शेयर कर सकते हो ज़रूरतमंद आदमी को शेयर करके, और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज के साथ भेज सकते हो। जय श्री राम, जय बजरंग बली। लोहा उतर रहा, लोहा प्लाट बंडा ही नहीं, प्लाट प्लाट पर रोला हो गया। और ये मकान बन रहा है, देखो कल खुली डाली हुई काम चलाने के लिए और आज पूरी लगी। अरे ओ जी 20 से 25 मिनट का काम रहेगा। हाँ एक ही है नीची लग रही है ज्यादा, 5500 इंट है माता जी, 5500 इंट है, 5500। हाँ जी ले जी खाली होगी, निकाल के ले आया जी, अभी चलते हैं भागते हैं जी भागते हैं। फाटक से निकलते ही रॉन्ग साइड वाले आने वाले ने जाम लगवा रखा है, देखो स्विफ्ट खड़ी है। पहुंच गए जी कमरे पे, खाना होटल पे ही खाएंगे भाई, अभी तो 9:20 हुई है। खाना खा के फिर देखेंगे जी ऑर्डर बनेगा या नहीं बनेगा, क्या रहेगा, बॉर्डर की समस्या चलेगी कैसे मर्जी होगा देखेंगे जी। बच्चे बोल रहे हैं मेरे को, क्या कह रहे हैं बन गई भाई यार लंडन नहीं भाई का नाम भाई और बुलाए हैं गांव में, बुलाए गांव में, क्या क्या नाम है भाई थारे? मिंटू भाई, मिंटू जयसिंह, गुटका 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 मत खा करो, सूर्य देवता है नमा। ये लो जी जो ये वाली गाड़ी है ना भरी हुई, बॉर्डर से वापस खाली आके खड़ी हुई है ये गाड़ी, मिंटू की भरी हुई, रात पूरा बिल्कुल बंद कर दिया बॉर्डर को, सील कर दिया बॉर्डर को। और मैं सो गया था आते ही, खाना खाने के बाद में सो गया था और तब से ही यहीं हूँ, भरने नहीं गया ना। तो ऑर्डर था सस्ती इंटों का, ऑर्डर था सस्ती इंटें, बढ़िया नहीं है, बेकार इंटें बची हैं, खाम खा जाते ही फैल हो जाए या फिर पैसे कटे उस बात का कोई मज़ेदार बात नहीं होगी। और शाम को जाएंगे, वैसे तो दोनों ट्रैक्टर भरे हुए, एक दो तो खाली है, एक भरा हुआ है और प्रवीण मोटे का भरा हुआ है वो आ गया। देखो डीजल फिल करवा के लेके आया है, दोबारा निकाल के बाहर से, अभी रात को निकलेंगे भरे हुए ट्रैक्टर हैं वो, रात को निकलेंगे। रात को कह रहे हैं कि भाई एक घंटा दो घंटे खोल लेंगे बॉर्डर को, वैसे तो सील कर दिया बिल्कुल, छोटी गाड़ियां भी नहीं घुसने दे रहे, नहीं वहां से अंदर से बाहर आने दे रहे हैं। तो देखते हैं अभी क्या रहेगा, आज का दिन जो डेट फाइनल थी 13 की, भाई
13 का ये पता था कि वे बताएंगे 13 को क्या रहेगा, तो आज 13 है, आज पता चल जाएगा कि भाई कल को परमानेंट खुलेंगे या फिर परमानेंट बंद हो जाएंगे या फिर घंटा दो घंटा हमें आने जाने का रास्ता देंगे। जैसे दूध, आटा, चीनी, दाल, जो खाने पीने का साधन है वो ट्रांसपोर्ट होता है दिल्ली के अंदर से बाहर आता है, बाहर से अंदर जाता है। तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बाहर हैं जो दूध वाली हैं, वो तो गाड़ियाँ जाएंगी भाई बिल्कुल बंद, तो बॉर्डर जो है कर नहीं सकते, और ट्रांसपोर्ट कैसे होगा फिर खाने पीने का सामान। अगर ऐसी बात होगी तो फिर भाई खाने पीने का भी एडजस्ट करना पड़ेगा पब्लिक को, तो देखेंगे जी। मैंने तो आज खाली छोड़ रखी है, और बर्ता भी तो समस्या थी क्योंकि हल्की इंटें चलेगी नहीं मार्केट में, रेट बहुत ज़्यादा कम है और हल्की इंटों में फिर नुकसान होता है, जाके पैसे कटने हैं, फैल हो जाए, उठानी पड़ जाए, तो 70 लफड़े होते हैं, ग्राहक फैल कर देता है। अब SDF की इंटें कल हमने उतारी थी, जो कल वाड़ा चक्कर रोड ऊपर लगाया था बड़ी बिल्डिंग पे 800 गज पे, तो उन्होंने भी इंटें वो फैल कर रखी हैं, उनको RK1 की इंटें बहुत बढ़िया वाली लगी हुई हैं, और फिर उसके बाद में DDR लगी हैं, काफ़ी सारी इंटें लगवा ली उन्होंने, लेकिन वो थोड़े से वहम करते हैं कि भाई ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है, कह रहे हैं कि भाई ऊपर रखते ही इंटें टूटती है, जब लेबर वाले ऊपर चढ़ाते हैं फेंकते हैं तो इंटें कह रहे भाई पटकने से टूटती है, जब लेबर वाले ऊपर लेंटर पर ले जाते हैं तो वो 30-30 20-20 25-25 इंटें ले के जाते हैं एक साथ, तो एकदम कंधे पे ले जाएंगे, कमर पे ले जाएंगे, फिर तो वो पटकेंगे, एकदम से पटकेंगे, फिर जो कमज़ोर इंटें हो गए वो उसका चूरा हो जाएगा, वो इंटें कहीं पर भी काम नहीं आने वाली है। तो लेबर का भी ध्यान रखा करो भाई, जैसे अगर आप लेंटर पर इंटें चढ़ रही है आपके मकान पर तो लेबर का भी बड़ा सारा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इंटें पटके ना, वो पटकने से कोने वगैरह सब कुछ टूट जाए, कोने अगर 100 इंटें चढ़ा दी, अगर 10 इंटों के कोने टूट गए तो मसाला ज़्यादा ही लगेगा और बेकार भद्दी लगेगी, पलस्तर में भी उसमें मसाला ज़्यादा लगेगा और चढ़ाई में भी ज़्यादा लगेगा। तो ये आप पैसे लगा रहे हो तो वही लेबर का बड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको थोड़ा, कि वही इंटें तोड़े ना लेबर, और लेबर आपकी अच्छी होनी चाहिए जो आराम से इंटें चढ़ा दे, लेकिन वो ठेका दे देते हैं दिल्ली में, ठेका 600 रुपया, 1000 हो गया, 1000 हो गया चढ़ाने का ऊपर का, फिर वो सिर्फ 4-5 बंदे आते हैं, वो सिर्फ एक पटकने का ही काम करते हैं, वो तो उनको तो 2 घंटे के अंदर 5000 इंटें चढ़ा के भागेंगे, वो तो अगला काम देखेंगे, बहुत सारे ऐसे झंझट उठते हैं, तो ये समस्याएं बड़ी पैदा हो जाती हैं। इंटें जो कमज़ोर इंटें जैसे SDF की थी, वो कल वाला चक्कर भी अंदर से भरा था, परसों वाला भी आज ले गया, और गलती मेरे से पता क्या हुई है, जो इधर वाला JBF और SDF दोनों एक ही भट्ठे हैं, एक ही मालिक के, लेकिन भट्ठे दो हैं, इधर वाले का JBF है प्योर, उसका भी JBF, जो इधर वाले चट्ठे थे मैंने गलती करी है, जो वो JBF के थे, लेकिन मैंने नोटिस नहीं करी इस बात को क्योंकि J बदलता है अगले का, S की जगह J की जगह S हो जाता है, तो मैंने नोटिस ही नहीं करी इस बात को। आज सुबह जब लेबर वाला कह रहे भैया इंटें अलग हैं, मगर यार नहीं, मैंने जब देखा तो JBF था, मार्के का मैंने ध्यान नहीं किया, तो इंटें JBF की बढ़िया थी, SDF की थोड़ी कमज़ोर इंटें थी, नई जैसे निकासी से निकल रही हैं, कमज़ोर इंटें हैं, आवाज़ नहीं है, तो वो गिरते ही टूटने का काम करती हैं, लेकिन भाई फिर जब मजबूरी हो जाए तो ये इंटें चलती भी हैं, अगर पटके ना तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लेबर पटकती है तो फिर भाई नुकसान है, तो फिर वो हल्की ले अगले वाले बंदा जिनकी साइड पे उतरेगी उनको कोई मतलब नहीं है कि ये बढ़िया हैं, हल्की हैं, पटकने से टूट रही हैं, लेकिन उनको तो ये है कि भाई लेबर गिरते ही टूट रहे, वो इंटें होनी चाहिए जो लेबर गिरते ही टूटे ना, वो इंटें हम लगाएंगे, वही लगाते हैं, तो ये बात है जी। हमारे जो घर की तरफ का परले वाला एरिया है यहाँ पे तो नेट ऑन है, लेकिन जो हमारा घर वाली साइड का एरिया है कैथल एरिया, वहाँ पे सब जगह पे नेट बंद है, बिल्कुल जैम कर रखा है, वाईफाई सिर्फ चलती है, नेट की वजह से थोड़ा सा जो क्राउड वो फैलता ही है, बड़ समस्या सरकार को बढ़ जाती है, इसलिए नेट बंद है, तो वहाँ पे इसीलिए हमारे 3 दिन से व्यू भी कम आ रहे हैं, 3 दिन से नेट वहाँ पे बंद है, बच्चों के साथ में वीडियो कॉल भी नहीं होती घर पे, तो ये समस्या ही पैदा हो रही है। अब काम बंद हो गया तो वहाँ पे जाएंगे तो नेट की प्रॉब्लम आएगी भाई, अब यहाँ पे रहेंगे तो लगातार नेट चलता ही रहेगा, वीडियो भी आती रहेंगी, घर पे जाने के बाद में तो समस्या आ जाएगी, वैसे तो वाईफाई है भाइयों के वहाँ,
तो वीडियो तो आती ही रहेगी, पर मेरा मन नहीं है जाने का, आज भी नहीं है, अभी नहीं है मन जाने का। मैं सोच रहा था कि भाई 1000 सब्सक्राइब होने के बाद ही चलेंगे, एक महीने में 15 दिन में हो सकते हैं, 15-20 दिन में हो जाएंगे अगर यहीं पे रहता हूँ तो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा काम वाली वीडियो लोग ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि काम का सभी को होता है कि भाई हाँ काम कर रहा है, मैं भी कुछ ना कुछ पूछ लूँ, कुछ ना कुछ जानकारी ले लूँ। हाँ भाई एक दिन पूरी स्पेशल वीडियो इसी पे बनेगी कि भाई हाँ आप काम कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। लेकिन घर वाले कभी ना कभी इस बात से ज़रूर डरते हैं कि भाई मैं किसी को भेद दे रहा हूँ। नहीं भाई, ऐसी कोई समस्या नहीं है, सभी अपना कर्म का खाते हैं, अपने किस्मत का करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। लेकिन जो मेरे कोई भी बंदा काम करेगा तो मेरे आगे से नहीं उठाएगा, लेकिन हाँ इस लाइन में नहीं घुसना है। मैं वो बताऊँगा आपको किसी दिन, आपको वो लाइन चूज करनी है, उस लाइन में घुसना है। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट वाली लाइन है ये थोड़ी सी बेकार ही कहूँगा इसको। जब आपके पास थोड़ा सा पैसा है 15-20 लाख रुपए, फिर आप उसमें थोड़ा सा बढ़िया सिस्टम कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, या फिर कुछ जो सीक्रेट है वो किसी न किसी दिन बता दूंगा मैं आपको। लेकिन उस पर पूरी लंबी वीडियो बनने वाली है, ठीक है जी। ज़रूरतमंद आदमी को वीडियो शेयर कर देना। अभी देखते हैं जी कुछ खाने पीने का सिस्टम देखते हैं। और सूर्य देवता जी महाराज छाए हुए हैं, अभी जाएंगे, 4 बजे हैं अभी तो फिलहाल तो। अल्लाह पेट पटाला, जय श्री राम। बॉर्डर ए मोटे क्या हो यार, जमीन बिल्कुल बंद है ए मोटे आ छोटे आ, बिल्कुल बंद है के, बिल्कुल बंद। ले जी मोटा बॉर्डर से जा रहा है जी, आ गया हूँ, कुछ ना कुछ खा के आएंगे। ये है सीएनजी वाली इंटो की गाड़ी है, ये देखो आलू स्टॉक कर रहे थे कि भाई ने वो खराब हो गया। गन्ना, ये है हमारा होटल, ये रोड है, सर्विस स्टेशन है हमारा, डेयरी मिल्क, अब तो चॉकलेट ले रहा है, आइसक्रीम ले आइए गर्मी में, ठीक है। हाँ क्या खा रहे हो? मैंगो शेक, बनाना शेक, बस मैंगो को लो जी, जूस पियो जी, जूस लो जी। आ गए जूस सेलेक्शन करके, और दो खाली खड़े, अंधेरा हो गया जी और खाना खाने का टाइम हो गया है, तो खाना खाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। क्या कह रहे थे आप पहले ही बताओ, क्या क्या बोल रहे थे आप पैसे के मामले में? पैसे के बारे में, हमारा घर है, बचपन से रह रहे हो? मैं बचपन से रह रहा हूँ, हमारे घर बचपन से रह रहे हो? तुम्हारे घर में बचपन से रह रहे हो, मैंने कोई टेंशन नहीं है। कितने पैसे खर्च दे, कुछ भी खा लिया, कोई चक्कर नहीं है, मन लग रहा है हमारे लोग, फुल फुल बटा बटा, तो खाना खा रहे हैं फिर अभी खाएंगे। तो खाना खाया हूँ जी, तो चलिए जी आज की वीडियो तो यही थी बस। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। तो चलिए जी इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंग बली। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। इंस्टाग्राम विक्की सी मारवाता फॉलो कर लीजिए, कोई भी किसी भी प्रकार का मैसेज आप पूछ सकते हो, और सेम नाम से ही फेसबुक आईडी है, उस पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो।